नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। जिला मुंगेर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी कमर अब कस ली है। जिला वासियों को सख्त निर्देश भी जारी करते हुए इससे बचाव के लिए सिविल सर्जन और जिले के वरीय अधिकारियों के साथ जिला समरणालय सभागार में कोरोना वायरस से लड़ने और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोच से उबर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए डिजिटल टास्क फोर्स की बैठक की गई। आपको बताते चले कि मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए लोगों से न डरने की अपील की गई, साथ ही साथ अगर कोरोना के कुछ भी लक्षण अगर आप में दिखती है तो इसके सीधे इलाज के लिए सदर अस्पताल आने के लोगों से गुजारिश भी की गई है। देखिए, अभी कोरोना वायरस के संबंध में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का बैठक हम लोगों ने किया है। इसमें अभी बैठक जारी है, विभिन्न मुद्दों पर से बातचीत करी जाएगी। विशेष रूप से जो भी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो इसके संबंध में क्या एहतियात बरतना है, कैसे इससे लड़ना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, इसके संबंध में डिस्कशंस हो रहे हैं। और हमने मीडिया के माध्यम से सभी मुंगेर वासियों से अनुरोध किया है कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को केयरफुल रहना है, सजग रहना है, भीड़भाड़ के इलाकों से बचना है। जुकाम, बुखार या रेस्पिरेशन में अगर दिक्कत होती है तो संबंधित मेडिकल हॉस्पिटल में जाना है ताकि वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। और सदर अस्पताल मुंगेर में हम लोगों ने व्यापक इंतजाम किया है, एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, साथ ही साथ पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी यहाँ पर 550 की संख्या में उपलब्ध हैं, सर्जिकल मास्क भी उपलब्ध हैं ताकि अगर कोई मरीज इस तरह के आते हैं तो उन लोगों को सही प्रकार से ट्रीटमेंट मिल सके। सर, मुंगेर अभी कल एक पेशेंट आया है, संदिग्ध पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हुई है और वो निश्चित रूप से फॉरेन से ट्रैवल करके आया है, तो उसका आज सैंपल जाँच करने के लिए उसको भागलपुर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 और ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल में ही विदेश यात्रा करके मुंगेर में वापस लौटे हैं। तो हमने सभी को इंस्ट्रक्शन दिया है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को, कि उनके घर घर जाकर उनका रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, उनके तबीयत के बारे में, उनके टेम्परेचर्स का आकलन करते रहें ताकि उनको भी हम लोग मॉनिटर कर सकें। मेरा जिला के वासियों से यही अपील है कि कोई भी डरे नहीं, घबराए नहीं। जो हमें हमारे दैनिक कर्म करने हैं वो सभी काम करते रहें, ऑफिस जाते रहें, लेकिन हाँ, सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। हम सभी लोग यथासंभव सतर्क रहें, मास्क लगा के बाहर निकलें। भीड़भाड़ के इलाकों में अगर जाते हैं तो और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्पेशली कोई अगर खांसता है, छींकता है तो उससे बचने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि जो वायरस है वो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है और पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।